देखिए, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाता है, लॉन्च ही नहीं होता, लॉन्च होता ही नहीं, फुस होकर के खत गिर जाता। अब ये हरियाणा के चुनाव को पहले हुड्डा के माथे फेंकने की कोशिश की कि मेरे युवराज का इसमें कहीं नहीं। मैं ये कहता हूं, हरियाणा की जनता ने इन्हें नकारा, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार ठीक ही किसी ने कहा, वो जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान का फोल्डर तो इनके पास है, अंदर इनके पास कुछ नहीं है। अब फोल्डरें दिखा करके लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। अगर इनको इस बार काठ की हांडी जल गई तो दुख क्यों हो रहा है? अब ये ठिगरा फोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो कभी हुड्डा कभी टुड्डा इस पर फेंक रहे हैं। और कश्मीर में कह रहे हैं मेरी जीत हुई। अरे कहाँ जीत हुई? 3 दर्जन से ऊपर 4 दर्जन चुनाव लड़े, 4 दर्जन सीट पे, और जीते कितना? 6 गो। बीजेपी तो ऐसा कश्मीर में मुहे भाड़ गिराया है, इनकी सारी जो कैरिकेचर कर रहे थे जोकर की तरह, सब खत्म हो गया। ओवैसी कहते हैं कि हरियाणा में तो उनकी पार्टी लड़ी नहीं, तो भाजपा कैसे जीत गई वहाँ? ये तो ओवैसी और कांग्रेस जाने, वो हार को छिपाने के लिए किसी के नाम पे देंगे। गिरिराज सिंह जी, कल एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, आपने कुछ दिन पहले इसको लेकर कुछ बातें भी कही थी कि ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं, देश के अंदर जो दुर्घटनाएं हो रही थी, वो दुर्घटनाएं हो नहीं रही थी बल्कि करवाया जा रहा था। और लगभग जांच में हमें जांच रिपोर्ट तो नहीं मिला है, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है उसमें एक समुदाय के लोग कहीं पे पत्थर, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे मैंने कहीं ना कहीं एक साजिश ही नजर आया। बात कर लेते हैं बंगाल की, 9 डॉक्टर जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ममता ने अरेस्ट किया, क्या चल रहा है बंगाल में? बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, तानाशाहों की सरकार है। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि बंगाल की सरकार किम जोंग की सरकार है। जो उसके खिलाफ बोलेगा, डॉक्टर बोले, कर्मचारी बोले, जनता बोले, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोले, कोई जीत जाए तो उसकी सर्टिफिकेट नहीं, पंचायतों में जीत जाए तो उसके लाश टंग जाएंगे, ये ममता बनर्जी की थ्योरी है। और ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही, बना चुकी है, बनाना क्या चाह रही, बना दी है, और लोग अब वहाँ से भागना शुरू कर दिया। आपने जो यात्रा अनाउंस किया है उससे विरोधी लोग कह रहे हैं कि इनको तो लगता है कोई काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, मैं पूछता हूँ, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इसी बिहार में प्रशांत किशोर जी ने निकाला अपनी यात्रा, तो किन्हीं को पेट में दर्द नहीं हुआ? तेजस्वी 1 चरण निकाले यादव मुस्लिम को एक करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, तिनको मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब में, तो कोई पेट में दर्द हमें नहीं हुआ? हम तो वोट के लिए नहीं, हम तो हिंदुओं की को एक करने के लिए निकल रहे हैं। बांग्लादेश की घटना, जो लोग कहते थे कि भारत में भी होगा, उससे बचने के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। लोग उससे परेशानी क्यों हैं? गिरिराज सिंह कुछ भी कर रहे हैं। वही तो, लालू जी ईरान के इमाम की तरह पूरा ड्रेस बना लें, नकल कर लें, और वो दरगाह पर जाए फुलवारी शरीफ, तब कोई कुछ ना बोले। हम अगर जा रहे हैं तो पेट में दर्द उन्हीं से पूछिए।
मैं निकालूंगा निकालूंगा निकालूंगा। अब हिंदू जग चुके हैं, हिंदुओं को संगठित करना, अगर हिंदू संगठित नहीं हुआ बटेगा तो कटेगा, ये कहने जा रहा।